अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मैं आपका अपने चैनल पे तहे दिल के साथ इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ख़ास नुस्खे के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा नुस्खा है उन लोगों के लिए जिनको बवासीर की शिकायत है। बवासीर, चाहे वो खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, दोनों बवासीरों के लिए ये नुस्खा बहुत बहुत कारामद है। इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से ब्लड भी रुक जाता है और खूनी बादी बवासीर दोनों ही ख़त्म हो जाती हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है कि अगर बंदा इसको कुछ दिन मुसलसल इस्तेमाल कर ले तो इंशाल्लाह इस जानलेवा बीमारी से, इस ख़तरनाक बीमारी से पीछा छूट जाता है। दोस्तों, अगर बवासीर है तो फिर आपको लेना क्या है, आप कलम निकालें, नुस्खा नोट कर लें और किसी भी पंसार स्टोर से आप इसको ख़रीद लें। सब में मिल जाएगा, बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। आपको लेना है इंदर जो। दोस्तों, एक होता मीठा जो, एक होता कड़वा जो। तो आपको कड़वे वाले जो लेने हैं, ये एक तोला लेने हैं, ठीक है। हाँ, एक तोला लेने और रसूत एक तोला लें, तबाशीर एक तोला, नरकचूर एक तोला, काला दाना एक तोला, ये सब चीज़ें एक एक तोला ले लें। या फिर आपको अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप इनको हम वज़न ले लें और हम वज़न लेने के बाद आप इनका अच्छे से सफ़ूब बनाएं और इनकी गोलियां तैयार कर लें। जितना बड़ा चना होता है ना, इतनी बड़ी आप गोली तैयार कर लें। दो गोली सुबह, दो गोली शाम, पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बवासीर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कैसी भी बवासीर क्यों ना हो। दोस्तों, बवासीर के ताल्लुक से मेरी बहुत सारी और भी वीडियो हैं जो सब कारामद हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी जो है, मतलब इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छा नुस्खा आपको बता दिया है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह किसी डॉक्टर और हकीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी अगर आप मुझसे रابطہ करना चाहते हैं, किसी बारे में मशवरा लेना चाहते हैं, किसी भी बारे में, बीमारी के बारे में या और अपनी गुप्त रोग के बारे में किसी भी बारे में मशवरा लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर होगी अगली वीडियो मुलाकात। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।